ये डबल मोटर वर्षन 60 लीटर कैपेसिटी का वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है। कलर कुछ भी आ सकता है, ब्लू कलर आ सकता है, रेड कलर आता है और स्काई ब्लू भी आता है। ये सबसे पहले हमने इस मशीन को साइड से अपना खोले और इसको हमने इजीली आराम से उठा के नीचे रख दीजिए। इसके अंदर आपको देखिएगा ये फिल्टर है, दिस इज कॉल्ड मेन फिल्टर। जब क्योंकि ये वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है और जब भी आपको ड्राई में कुछ भी डस्ट उठानी है तो ये फिल्टर हमेशा अंदर होना चाहिए। बगैर फिल्टर के अगर आप ड्राई डस्ट उठाएंगे तो इससे मोटर आपकी जल जाएगी। तो ध्यान रहे, जब भी ड्राई पिक करना है ये फिल्टर अंदर लगाना होना चाहिए। ये पॉली प्रोपिलीन वॉशेबल फिल्टर है, ये हर वर्क के बाद इसको शाम को निकाल के झाड़ के अच्छी तरह से और टैंक को साफ करके दोबारा इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये होगा ड्राई पिकअप। सपोज नाउ ड्राई पिकअप हमने किस तरह से करना है, इसका मैं आपको एक डेमो क्लिप दिखाता हूँ छोटा सा। सबसे पहले ये हॉस पाइप है, इसको आप इंसर्ट करेंगे, प्रेस करेंगे, ये फिट हो गया आपका। निकालने के लिए ऊपर से इसको प्रेस करेंगे बटन को और दोबारा बाहर आ जाता है। दोबारा इंसर्ट करेंगे, ये अंदर गया। याद रखिए अभी हमने ड्राई डस्ट फ्लोर से खींचना है, अज्यूम करिए, ठीक है जी। इसके आगे आपको एक्सटेंशन बैंड दिया जाएगा जो कि ये है, इसको एक्सटेंशन बैंड बोलते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ से इसका उभरा हुआ पार्ट है थोड़ा सा, दोनों में उभरा हुआ पार्ट जहाँ से आपको दिखेगा उनको आपस में मिलाना है। इसका दिख रहे हैं, क्लोज में जाएंगे तो इसको आपको आपस में जोड़ना है, एक थोड़ा सा करके इसको यहाँ करके लेके आना तो ये आपका हॉकी स्टिक की तरह बन जाता है। सबसे पहले इसमें ब्रिसल वाला जो फ्लोर से डस्ट खींचते हैं, ये वाला ब्रिसल वाला है जो टूल्स है, जो भी स्मॉलर साइड है उस पर आप लगाइए इसको, ये वहाँ फिट हो जाएगा। इसको हल्का से घुमाइएगा, टाइट करिएगा, टाइट करके ये किसी भी पोजिशन पर रहे कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप जब आप इसको करेंगे सेटल अपने आप ही पोजिशन पकड़ लेगा। अभी आपको इस पे लगाना, जब भी कोई इसको पाइप को आप डालिए, नोजल को डालिए, हल्का सा उसको घुमाना पड़ेगा आपको टाइट करने के लिए। अब ये आप ड्राई डस्ट करिए, अज्यूम करिए फ्लोर से ड्राई डस्ट खींच रहे हैं, ये वाला नोजल आपका लगा हुआ है, अंदर मशीन के अंदर फिल्टर लगा हुआ है। अब इसे फिट फॉर टू पिक ड्राई डस्ट, आप इसको आगे पीछे करके, क्योंकि ये डबल मोटर वर्शन है, अगर हो सकता है कि आपको फॉरवर्ड इसको जाने में दिक्कत हो तो आपको रिवर्स में लेके आना है, रिवर्स में ये वाला, ठीक है। इसको सिंगल मोटर में भी चला सकते हैं, डबल मोटर में भी चला सकते हैं। अब हमें वाटर सक करना है। अगर आप स्क्रबिंग मशीन चला रहे हो, पानी फ्लोर पे गिरेगा, उसको आपको कैसे खींचना है इसी मशीन, क्योंकि ये वेट एंड ड्राई, ड्राई का आपने फंक्शन समझा दिया, अब आपको वेट किस तरह से खींचना है वो देखिए। दोबारा इसको टैंक खोलेंगे, इसको इसका निकाल के नीचे रखेंगे मोटर पार्ट, इसका जो फिल्टर होगा उसको हटा देंगे, इसको बाहर रख के झाड़ देंगे और इसके अंदर अगर डस्ट है आपका तो सारा डस्ट बाहर फेंक दीजिए। और खाली करने के बाद दोबारा अब इस मशीन को लगाइए। अब हमारे हमने जो खींचना वेट वेट थिंग खींचनी है, इसको दोबारा रखने के बाद ये क्लैम्प आप टाइट कर दीजिए, ये क्लैम्प फेंक दीजिए, ये आपका हॉस पाइप लगा हुआ है, उसी तरह से आपका ये टेंशन दोबारा लेगा। लेकिन इस बारी आप पानी खींचने के उसका टूल चेंज करेंगे, रबर वाला, ये रबर वाला इस पर लगाए, ये दिस इज मेंट फॉर द टू सक द वाटर और एनी डर्ट। ये आपने दोबारा देखिए, ये ध्यान रखिए कि वाटर में हमेशा इसको रिवर्स में ही खींचना है, पानी रिवर्स में खींचना है। एक बार आपने टैंक अगर फुल कर लिया आपने तो आपको इतना हैवी टैंक कैसे लेके जाना है ड्रेन करने के लिए, यहीं से आप इसको खोलेंगे और इसके नोजल देखकर इसको आप हल्का खींच के, इसको खींच के बाहर और इसको ड्रेन कर देना है तो सारा पानी इसी से बाहर निकल आएगा। जैसे पानी साफ निकलेगा बाहर निकलेगा उसके बाद दोबारा इसको बंद कर देना है। ये ध्यान रहे लूज ना रहे, इससे नहीं तो सेक्शन लीक होगी आपकी। दोबारा इसको वापस लगा के यहाँ फिट कर लीजिए। सो ये बेसिकली आपको एक मोटा मोटी हमने समझा दिया किस तरह से मशीन को चलाना है। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो कॉल कर सकते हैं आप। थैंक यू।